रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाफ के जी चिकन लेनी है। अब उसमें तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैं दही ऐड कर रही हूँ। भुना पिसा जीरा 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, 1/4 टी स्पून हल्दी, ये तमाम चीज़ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। अब पैन में एक कप पानी डालकर उसमें तकरीबन 2 से 3 प्याज मोटी मोटी काट कर डाल दी हैं, लहसुन के जवे 6 से 7, अदरक का टुकड़ा और 1 चिकन क्यूब, 2 हरी मिर्च मोटी मोटी काट के वो ऐड कर ली हैं और इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के बाद अब हम इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर में पिस चुका है। अब हमने एक और पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है और जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज वाला वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 हरी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, 6 से 7 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 लौंग, 1 तेज़पात ऐड कर देंगे। तमाम गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक। 1/2 टीस्पून नमक इसलिए लिया है क्योंकि हम नमक ऑलरेडी चिकन में डाल चुके हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें ऐड करके अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनना है कि तेल अलग हो जाए। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करने जा रही हूँ 1 कप के करीब। यहाँ पर मैंने सिंपली टमाटर को 4 से 5 टमाटर लेके उनको उबाल कर ब्लेंड कर लिया है, वो ऐड किए हैं। आप चाहें तो बाज़ार की प्यूरी ऐड कर सकते हैं या जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से कर लें। अब जो हमने चिकन मैरिनेट की थी वो ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और ढक देंगे ताकि चिकन गल जाए। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छे से चिकन गल चुकी है। अब जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसको भी हम तेज़ आंच पे ज़रा सा भून लेंगे। अब चिकन अच्छे से भुन चुकी है, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। चिकन रेडी हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन ले ली है 1/2 किलो और उसमें मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब दही डाल दिया है, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून भुना और पिसा जीरा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 लेमन जूस। तमाम चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटा गुजर चुका है। अब मैंने इसको एक पैन में डालकर पकने रख दिया है। जब चिकन एक साइड से डन हो जाए तो हम टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। चिकन दोनों साइड से डन हो चुकी है, मैंने इसको निकाल लिया है। अब फिर एक पैन लेकर इसमें तेल डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून और इसमें प्याज डाली है 2 अदद बारीक चॉप करके। प्याज ब्राउन हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को थोड़ा और ब्राउन करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 2 पिसे हुए टमाटर। अब इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1 टीस्पून ज़ीरा, उसको अच्छे से क्रश कर लिया था। थोड़ा सा टमाटर का मसाला भुनने के बाद अब मैंने इसमें जो चिकन हमने फ्राई की थी वो ऐड कर दी है और उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। चिकन हमारी अब अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून क्रीम। अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ आखिर में गरम मसाला 1/2 टीस्पून और थोड़ा सी कसूरी मेथी। टू टेबल स्पून तेल ले लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को, उसके बाद हम मज़ीद
स्टेप्स आगे करेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन। चिकन मैंने यहाँ ले लिया है आधा किलो हांडी, या बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, बोनलेस चिकन ले तो ज़्यादा बेहतर है। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो हम इसे ऐड कर देंगे दूध तकरीबन आधा कप और थोड़ी देर पकाएंगे। अब मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 1/2 टीस्पून जावित्री पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। मैंने यहाँ 1 शिमला मिर्च ले ली है और उसको स्लाइस में काट लिया है, और 1 प्याज ले ली है उसको भी स्लाइस में काट लिया है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून खोपरा। ये थोड़ी देर इसको पकाएंगे और उसके बाद मैं ऐड करूँगी चीज़ स्लाइस, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ मक्खन, 1 टेबल स्पून के करीब है मक्खन। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 हरी मिर्चें वो मोटा मोटा काट लिया है मैंने, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून क्रीम, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे हम। अगर आपकी चिकन गली नहीं है तो इसमें आपकी चिकन गल जाएगी इतनी देर में। अब यहाँ पे मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास ये वाली चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो आप चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लास्ट में मैंने हरा धनिया और अदरक काट के डाल दी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।